हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से चींटियों को किस तरह से भगा सकते हो हमेशा के लिए, या फिर उसे ख़त्म कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सरल तरीके से आपको बताऊंगी। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स आपके घर में, आपके किचन में मिल जाएगा। आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मार्केट वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप झटपट से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले, आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ, आपको उस बर्तन का इस्तेमाल करना है जो कि आप नहीं करते हो अपने किचन में। तो यहाँ पे मैंने एक टॉप ले लिया है जिसमें मैं पानी ऐड करूँगी। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप वो हिसाब से पानी ले सकते हो। तो यहाँ पे पानी लिया है जो कि बहुत ही नॉर्मल पानी है, ना ही गर्म है ना ही ठंडा है, नॉर्मल है। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास नमक और हल्दी। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नमक लिया है और हल्दी लिया है, पानी के हिसाब से लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ये भी ले सकते हो। हल्दी से क्या होता है दोस्तों, चींटी जो होती है इसकी स्मेल उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। और नमक से तो बहुत ही ज़्यादा असर होता है क्योंकि उसको खुजली होने लगती है फ्रेंड्स। तो अगर आप इस तरह से आजमाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं नमक को पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद में मैं हल्दी को ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को भी ऐड कर लिया है, ये देखिए। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है नमक के साथ। अभी ये गोल्डन वाटर बन गया है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको किस तरह से जो है आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके घर में कोई भी बॉटल वगैरह हो तो आप उसमें इसको स्टोर कर लीजिए। मेरे पास कुछ स्प्रे की बॉटल होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वरना आपके पास जो भी वाटर बॉटल है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये वाली बॉटल है। और अगर आप वाटर बॉटल का इस्तेमाल करते हो तो उस पर लेबल लगाना ना भूलें और बच्चों से ज़रूर दूर रखें। तो मैं इस गिलास से हेल्प से बॉटल में ऐड कर लूँगी और स्प्रे बॉटल में रख दूँगी। आप चाहो तो इसको कोनों में, किचन में स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप इसका पोछा भी लगा सकते हो। दोस्तों, किसी तरह से भी आप इस्तेमाल करके देखो, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे आकर तब कमेंट्स करना जब आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इसको, इस टिप्स को ज़रूर आजमाएं और कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं न्यू न्यू कंटेंट लाती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।